Hey, hello dear friends, good morning and very beautiful welcome back to in my channel. आप सभी का आई होप आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ. तो अभी बज रहे हैं 9:30 यानी 9:45 के करीब हो रहा है टाइम और सुबह है. और सुबह के टाइम में ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करती हूँ, देखो मेरे किचन की हालत क्या है. तो पूरा कचरा बिखरा पड़ा है, इधर पे हो रही है मेरी कुकिंग और पूरा किचन मेसी हो रखा है. अभी आप देख सकते हो क्या हालत है मेरे किचन की. इस वजह से मैं मॉर्निंग के टाइम पे ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सब कुछ परफेक्ट रहे, फिट फाट रहे, तो एक ब्लॉगिंग करने का मज़ा ही अलग होता है. तो अभी बन रहा है मेरा लंच, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट 12 बजे तक करते हैं, मतलब लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट करते हैं. और लंच भी मैं इसलिए पहले बना लेती हूँ, बस चावल जो होता है वो गर्मा गर्म बनाती हूँ. तो चलिए आप सबको मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या कुकिंग कर रही हूँ. लोती की सब्जी, यानी कि एक बंगाली टाइप की सब्जी होती है, उसमें प्रॉन पड़ता है यानी कि चिंगड़ी माछ. तो ये है प्रॉन जो कि इसमें मैं डालूंगी प्रॉन, और वो भी दिखा दूँ आपको. अभी मैंने उसको क्लीन करके रखा है, बट उसको भी फ्राई करना है. है प्रॉन यानी कि चिंगड़ी माछ, बंगाली में कहते हैं, और बहुत फेमस है. इसको हर तरह की सब्जी में यानी कि पटल में, कटल में तो बोलते हैं, एचोड़ चिंगड़ी, पॉटल चिंगड़ी, बैगून चिंगड़ी, तो ये वही चिंगड़ी है कि इसको सब्जी में डालकर बनानी है. तो दिखा दो इधर पे ब्रेकफास्ट के लिए आलू की चौचौड़ी यानी कि नॉर्मल फ्रेश एक सब्जी आलू की. और इधर पे है मेरी पनीर की सब्जी, तो गर्मा गर्म सारे धुएं उठ रहे हैं. इधर पे बस दाल बना ली है, इस पर तड़का लगाना बाकी है. इधर पे सारे मसाले वैसे निकाल के रखे हैं, लाइट ऑफ कर दूँ इधर का. तो मतलब कि हम लोग 3 जन घर पे वेज और 2 लोग नॉन वेज खाते हैं, तो इसलिए मैं जो ये सब्जी है इसमें से वेज वाली थोड़ी हल्की सब्जी निकाल कर रख लूँगी, और उसके बाद फिर प्रॉन फ्राई करके इसे मिक्सअप करके बनाऊँगी. तो ऐसे ही होती है मेरे दिन की शुरुआत. पसीना एलबी पे भी आता है, अभी भी आ रहा है. और जब मैं दिखा दूँ आप लोगों को, इधर पे पराठे, और आज ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए हैं. इधर पे है चाय बनी हुई है, तो हम लोग मतलब कि काम भी करते रहते हैं और चाय भी पीते रहते हैं, तो इस तरह से होती है काम की शुरुआत. और सब्जी बन रही है, जो प्रॉन है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ और सारे मसाले इस पर. तो इसको फ्राई करने के बाद आधा मैं फ्राई निकाल लूँगी और आधे में फिर वो जो लोती की सब्जी थी वो उसको मिक्सअप कर दूँगी और हो जाएगी मेरी प्रॉन की सब्जी. इस वजह से मैं ब्लॉगिंग मॉर्निंग में नहीं कर रही थी, कि पूरा शेड्यूल और मेरा घर सब कुछ बिखरा और बिखर रहता है. मम्मी इधर पर बैठी है और अभी जाएंगे, फ्रेश होंगे, कपड़े क्लीन करना है, ये करना है, वो करना है. चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद. हेलो डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग. और अभी शाम हो गई है. आज किचन में है मम्मी और मम्मी बना रही हैं, क्या बना रही मम्मी? गुलगुल्ला बना रही हैं. तो एक शुड डिश है और मतलब तो मीठा होता है, गुड़ से बनता है, गुड़ और आटे का ये जो खाना है वो है. और कुआ टाइप का ही होता है, पर थोड़ा डिफरेंट है. तो कुआ का जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा पतला होता है और ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है. मम्मी है और किचन में बिजी है फिलहाल. मेरी मम्मी जब प्यार से कुकिंग कर रही है, तो मम्मी इधर पे और इधर पे बन भी गया है कुछ.